दोस्तों, आज तक हमने आपके लिए बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो लाए हैं। आज का वीडियो बहुत ही परे है, अलग है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक सुना तो ये वीडियो आपके कुल को, गांव को, आपके देश को, देश का उद्धार कर देगा। ऐसा ये आज का वीडियो है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से राय ली, बहुत हितैषी लोगों से मैंने चर्चा की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इतनी जल्दी ये वीडियो मत बनाइए। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरा मन कह रहा था कि भले ही मैं बाकी के वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि बाकी के वीडियो में जो मैं आपको ज्ञानपूर्ण बातें बताने वाला हूँ या जानकारी देने वाला हूँ, वो सब बातें आपको अन्य माध्यम के जरिए भी मिल सकती हैं। लेकिन आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, ये आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। इसलिए आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ब्रह्मचर्य की व्याख्या मालूम है? क्या ब्रह्मचर्य ये शब्द आपने सुना है? क्या है ब्रह्मचर्य? मैं एक मिनट के लिए रुकता हूँ, आप खुद को ये सवाल कीजिए कि ये ब्रह्मचर्य क्या आपको वाकई मालूम है? अगर दोस्तों मालूम है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा जी द्वारा जो आचरण किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट शब्द में व्याख्या ऐसी है कि स्त्री संबंध से दूर रहना, तो ऐसा ये ब्रह्मचर्य है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नई शिक्षण प्रणाली है उसमें सेक्स एजुकेशन का समावेश किया गया है। लेकिन वाकई सेक्स एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? इसके पहले जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये एजुकेशन ना मिला तो क्या इस क्षेत्र में अनपढ़ या गवार रह गए हैं? तो क्यों आज के स्थिति में हमको ये सेक्स एजुकेशन की हमारे बच्चों में, हमारे शिक्षण प्रणाली में लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या यह है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं है क्या? पाश्चात्य देशों में ऐसा ही करते हैं, वो सेक्स एजुकेशन देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हाल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरी ये निजी राय ऐसी है कि ये जो सेक्स एजुकेशन है, इससे ज़्यादा हम अगर बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किए या ब्रह्मचर्य के द्वारा सिद्धि कैसे प्राप्त कर सके, ध्यान कैसे प्राप्त कर सके, ब्रह्मचर्य क्या है, इन सब बातों को अगर हम बताएं, सिखाएं, तो हमारे राष्ट्र को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य ब्रह्मा द्वारा जो आचरण किया जाता है ऐसा। तो ये हो गई अभी उसकी व्याख्या। तो इसके बारे में सद्य समाज में जो स्थिति है, आप और हम इससे परे नहीं हैं। समाज में क्या हो रहा है, जब भी हम कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो न्यूज़ चैनल में हमेशा किसने कैसे गुनाह किए, ये सब ज़्यादातर 100 में से 90 बातें यही होती है। तो क्या हम समाज को योग्य दिशा की तरफ ले जा रहे हैं? क्या हमारी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो इन सब बातों का ये ब्रह्मचर्य से बहुत ही नज़दीक रिश्ता है दोस्तों। तो ये ब्रह्मचर्य जो है, अगर हम इसका पालन बच्चों को जब सीखते हैं, उनको अगर उनकी पाठशालाओं में इसका शिक्षण प्रणाली में इसका समावेश करेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छे संस्कार बनेंगे तो जो समाज में ये गुनहगारी प्रवृत्तियाँ जो बढ़ रही है, छोटे बच्चों के पास छोटे बच्चे जो गुनाह कर रहे हैं, वो सब गुनाह हम उनसे उनको बचा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को सही प्रकार से संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। ये आज की मांग है, आज समय की मांग ये कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। तो ब्रह्मचर्य, तो ये ब्रह्मचर्य सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, तो ये बड़े लोगों के लिए भी क्या मायने रखता है, क्या महत्व है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में कहा है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात, ऐसा सिद्धांत भगवान शंकर ने सिद्ध किया है, बताया है। मतलब जो बिंदु है,
शरीर का जो वीर्य है यही इसका धारण करना ही जीवन है और इसका पतन करना ही मृत्यु है, मृत्यु नाश है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। दोस्तों आज तक हम आपने हमारे जो वीडियो देखे उसमें हमने आहार के बारे में बताया, निद्रा के बारे में भी पिछला वीडियो बताया और आज हम आपको बता रहे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। अपने जीवन के तीन उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार का हो गया, अभी ये निद्रा का भी हो गया, आज मैं ब्रह्मचर्य का बता रहा हूँ। ये तीन उपस्तंभ है दोस्तों। हम मनुष्य जन्म हमें जो मिला है वो बहुत ही पुण्य कार्य करने के बाद मिला है, तो इस जीवन में हमको मोक्ष प्राप्ति कर लेनी है। याद रखिए हमारी जो आत्मा होती है वो आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही कुदरत ने हमें इंद्रिय दिए है। ये इंद्रिय जो होते हैं ये विषय भोग करने के लिए नहीं होते हैं, तो ये इंद्रिय जो होते हैं हमें ज्ञान संपादन करने के लिए होते हैं। और अगर आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण हो तभी मोक्ष मिलता है, अगर अज्ञानता रही तो हमें अनेक विषयों के बंध से मुक्ति नहीं मिलती, अनेक विषयों में हम बंधे रहते हैं, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है, भारतीय अध्यात्म कहता है। और ये प्रूव भी हो चुका है और पाश्चात्य देश इसका अनुकरण भी करने लगे हैं, लेकिन हम कब करेंगे? तो इसलिए मैंने आज ये ब्रह्मचर्य का वीडियो किया है। तो दोस्तों ये ब्रह्मचर्य क्या होता है इसका मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे कि भीष्म पितामह, आप सब जानते हैं महाभारत में भीष्म पितामह जो कि अपनी 163 साल की उम्र की आयु में महाभारत का युद्ध लड़े थे। 163 क्या, किसे कहते हैं 163? तो 163 जो होता है मतलब आज की उम्र में, आज की कलयुग में 63 साल भी अगर कोई जी लेता है तो उसको बहुत जी लिया ऐसा कहते हैं। लेकिन 163 साल की उम्र में महाभारत जैसा युद्ध करना ये कोई आम बात नहीं है। तो भीष्म पितामह ने ये किसके दम पर प्राप्त किया था? तो केवल और केवल ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही उन्होंने ये प्राप्त किया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा करके, तो उसके ब्रह्मचर्य के तप पर ही उनको ये सिद्धि हुई थी। तो ये जो वीर्य होता है ये वीर्य अमृत स्वरूप होता है। तो ये वीर्य कैसे बनता है इसके पहले मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम जो खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, ये आहार अपने जो सप्त धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो ये क्रमशः सात सात छः छः दिनों तक एक एक धातु में रहता है। पचने के बाद में जो आहार होता है वो सात सात दिन तक उसका सार भाग एक एक धातु में रहता है और आखिर में सातवां जो धातु बनता है शुक्र, जिसे हम वीर्य कहते हैं, ये आज खाना खाने के तकरीबन 40-42 दिन के बाद में बनता है, उसे कहते हैं वीर्य। ये इतना सारभूत होता है, अपने शरीर का सार होता है, इसे बचाना बहुत जरूरी होता है। और चरक जी ने तो शुक्र के बारे में बहुत अच्छा कहा है कि आहारस्य परम धामम शुक्रम तद रक्षम आत्मनाहम रक्षयो ही अस्य बहुन रोगान मरणम स नियच्छति, ऐसा चरक जी ने कहा है। तो ये शुक्र को परम धाम कहा गया है, इसका हमें सुरक्षा करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए। अगर इसको नहीं बचाया तो ये अनेक तरह के रोग पैदा कर देता है शरीर में और अंत में मृत्यु को भी प्राप्त करा देता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबको ज्ञात है, स्वामी विवेकानंद जी भी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जन्म से लेकर मरण तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। कितने तेजस्वी थे, आज से 150 साल पहले उन्होंने शिकागो में अमेरिका में अपने हिंदू संस्कृति का डंका बजाया था। तो ये किसके बल पर? तो उन्होंने अपने शुक्र धातु को बचाकर ज्ञान से सिद्धि प्राप्त कर ली थी। दोस्तों यही नहीं, बहुत सारे उदाहरण है। भगवान परशुराम, इन्होंने तो 21 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था, तो वो भी ब्रह्मचर्य के बल पर। दूसरा उदाहरण दूंगा श्री राम का, श्री राम के बारे में तो सबको मालूम है, वो तो पुरुषोत्तम है, उन्होंने रावण का वध भी सिद्धि से ही और युक्ति से ही किया था, वो भी ब्रह्मचर्य पालन से ही हुआ था उनका। लक्ष्मण ने सवाई रावण का वध किया था, वो भी उनके जो ब्रह्मचर्य पालन था उनका, 14 साल का ब्रह्मचर्य का तप था, उसके बल पर ही उन्होंने सवाई रावण का वध किया था। इसके बारे में और एक एग्जाम्पल है हनुमान जी का। जी हाँ, हनुमान जी का भी उदाहरण हमारे सामने है, वो भी बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तप इतना बड़ा था कि उन्होंने वो तप के माध्यम से वो उड़ सकते थे, शरीर का आकार बढ़ा सकते थे, इतनी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो ये सब ब्रह्मचर्य के बल पर ही, ब्रह्मचर्य के तप पर ही। अपने जीवन में चार आश्रम होते हैं, एक ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। तो इसके अगर 100 साल की आयु भी हम पकड़ लेते हैं तो जो पहला ब्रह्मचर्य है ये 25 साल का होता है और 25 साल के
आयु में ही शादी करने जाइए तो 25 साल तक जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उन्होंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो वेदों में भी कहा गया है, आज के हमारे शिक्षण प्रणाली में भी है, अच्छी बात है। तो 25 साल तक उसने वेदोध्ययन या फिर शिक्षण लेना चाहिए, उसके बाद में ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रजोत्पादन के लिए ही ब्रह्मचर्य को तोड़ना चाहिए, ऐसा प्रावधान ऐसा वेदों में कहा गया है। उसके और ये 25 साल गृहस्थाश्रम में बिताने के बाद में 50 साल की उम्र के बाद में इंसान ने वानप्रस्थाश्रम की तरफ मोड़ना चाहिए, और उसके बाद में उसमें 25 साल निकालने के बाद में 25 साल और संन्यासाश्रम में निकालना चाहिए, ऐसे 100 साल की आयु के वेदों में आश्रम बताए गए, ऐसे चार प्रकार के आश्रम होते हैं। अगर हम बल की बात की जाए, शरीर बल और मानसिक बल में सब बलों में श्रेष्ठ यह आत्मबल होता है, जो वीर्यता से शुक्र प्राप्ति से और शुक्र धारण करने से हमें प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्मचर्य ही सब शक्तियों का और सामर्थ्य का खजाना है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। और अंग्रेजी में कहते हैं कि विक्ट्री गोज टू द स्ट्रांग एंड स्ट्रांग ऑलवेज लाइव लॉन्ग, तो ये बात हमें सिर्फ हमें वीर्य धातु को बचाने से ही मिलती है, ब्रह्मचर्य पालन करने से ही मिलती है। दोस्तों ये थी ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ तक ही इसको सीमित रखा है, तो इसके आगे की जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, तब तक धन्यवाद।